प्यारे बच्चों जय हिंद। बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 13 सितंबर 2017 9 AM यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आज मैं जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी, तो इसका नाम बताना है। तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली यानी दो जिलों को जोड़ने वाली जो नदी है उसका नाम है जामनी नदी। तो ये जामनी नदी यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें जम्मू बारामूला मार्ग यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तो इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत की प्रथम यात्री रेल किस वर्ष में चली थी? तो ये आप सबको पता होगा 1853 में चली थी। तो यहाँ पे 1853 यहाँ पे ये ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 1853 में चली थी। ठीक है, तो 1853 में ये चली थी, तो 1853 इसको करेक्ट कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या था? तो मैसूर के शासक परिवार का नाम वाडियार परिवार था, तो वाडियार परिवार यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहतांग दर्रा, अब देखिए रोहतांग दर्रा किस देश में है? तो इसलिए जो है रोहतांग दर्रा जो है भारत में है, तो यहाँ पे भारत पे हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसको नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया था? तो ये राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, तो ये जो है राजीव कुमार यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 में पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1951 में लागू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो ये है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो भारत के किस राज्य में यानी मध्य प्रदेश में ये सांची का स्तूप स्थित है? तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो किसके उत्पादन पर पड़ा? तो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की थी, तो उनका नाम है पंडित रविशंकर, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नर्मदा की औसत लंबाई लगभग कितनी है? तो नर्मदा की औसत लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 पे यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटना किस नदी के किनारे पर बसा है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा है, तो यहाँ पे गंगा यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, और ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन 3 पे हम टिक कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसको चुना गया था? तो इसमें तो हंसल मेहता को चुना गया था, हंसल मेहता, 4 ऑप्शन में से ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर 2013 की जगह 2019 आ जाता है, क्योंकि 2019 में भी
फिल्म पुरस्कार के लिए किसको चुना गया था, आदित्य धार को चुना गया था, ठीक है। और उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और ये 66th नेशनल अवार्ड था, 66वां नेशनल अवार्ड था। तो 2019 का भी आप याद कर लें इसके साथ साथ। और देखिए अब अगला वाला, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता, तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद साद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। तो ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन टू होगा, तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, ये रहा आपके सामने, सिखों के दसवें गुरु थे, सिखों के दसवें गुरु कौन थे, तो सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन थ्री पे हम टिक कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता के साथ जुड़े थे, तो सबसे निकटता के साथ जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन फोर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम ऑप्शन फोर पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन, अब इसमें अगले क्वेश्चन के लिए ये इसमें आपको अगले क्वेश्चन के लिए मैथ्स का और मिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें हमें जीके और जीएस और साइंस इनमें से क्वेश्चन ढूंढना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आपके सामने ये आ रहा है। देखिए क्वेश्चन ये तो मैथ्स के ही पूरे चल रहे हैं, तो ये मैथ्स के पूरे चल रहे हैं, तो मैथ्स के ये चलते जाएंगे, और उसके बाद में जीके जीएस के हमें इसमें से ढूंढने हैं, तो जीके जीएस के हम ढूंढते हैं। तो जीके जीएस में देखिए मैथ्स ही चल रहा है, और मैथ्स के बाद अब जो है नेक्स्ट पार्ट इसमें आ गया, तो इसमें जो है हमारे जीके जीएस या इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम ढूंढते हैं इसमें। तो देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो इसमें क्या करेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है और वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद का क्या होगा, गेंद चंद्रमा पर उछलती रहेगी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आएगी, अंतरिक्ष में गिर जाएगी, या ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें हम देखें तो इसमें ऑप्शन टू करेक्ट होगा, क्योंकि ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस भी आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन टू जो है करेक्ट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन टू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, क्यों कारण बता देता हूं मैं कि देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो जब ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो फिर वापस नीचे आ जाएगी, जैसे धरती पर होता है, बस फर्क ये है कि धरती से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, लेकिन ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरल पदार्थ का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं, तो उस तरल पदार्थ का नाम बताना है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं, तो उस तरल पदार्थ का नाम है प्लाज्मा यानी जीव द्रव्य, क्या नाम है, प्लाज्मा यानी जीव द्रव्य, तो यहाँ पे हम जीव द्रव्य पे टिक कर देंगे, ठीक है, प्लाज्मा पे टिक कर देंगे, इसमें हमारी रक्त कोशिकाएं इसी में तैरती हैं, ठीक है। निम्न में से वायुजनित रोग की पहचान करें, तो निम्न में से वायुजनित रोग मतलब जो वायु से वायु के संपर्क में आने से रोग होते हैं, तो ये क्या होता है, एक तो कॉमन कोल्ड होता है और दूसरा ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होती है, तो ये जो है वायु में वायुजनित रोग कहलाते हैं, तो इसमें ऑप्शन टू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन टू पे टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चुंबकत्व का पक्का परीक्षण कैसे होता है, तो चुंबकत्व का पक्का जो परीक्षण होता है वो रिपल्सन से होता है, तो ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा, रिपल्सन से होता है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है, तो आंख के ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, अंध स्थल यानी ब्लाइंड स्पॉट, इसमें कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप को के नेटवर्क को कहा जाता है, मतलब ड्रेनेज पाइप के, तो द नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप टू कैरी आउट वेस्ट वाटर इज कॉल्ड, तो इसमें सीवर सिस्टम, सीवर प्रणाली जो होती है ये
ठीक है, इसको कहा जाता है पाइप के नेटवर्क को, ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, सीवर प्रणाली, तो इसको सीवर प्रणाली कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए अब इसमें ये तो आ गया मैथ्स का, और ये भी मैथ्स का है, ये भी मैथ्स का है, तो इस तरह से अब आगे देखते हैं हमारे पास में साइंस का क्वेश्चन कहाँ आने वाला है। देखिए ये आ गया, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। तो मनुष्यों में प्रजनन प्रकार हार्मोन के द्वारा आरंभ किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन वन ही करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन वन पे हम टिक लगा देंगे। अब देखिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, घरों में भू संपर्कन, भू संपर्कन मतलब अर्थिंग, अर्थिंग घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। किससे बचाने के लिए, बिजली के झटके से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक को से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसको ऑप्शन वन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, ये देखिए जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक होता है, तो इसमें जो जल चातक चालक ऊतक होता है इसका नाम होता है ट्रैकीड, ठीक है, इसमें क्या होता है ट्रैकीड होता है, इसमें वेसल्स नहीं होती हैं, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधे द्वारा अवशोषित तो सौर विकिरण का प्रतिशत कितना होता है, तो सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग 1% होता है, कितना होता है लगभग 1% होता है, यानी इसका ऑप्शन वन जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन होता है, तो इस पे हम टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन फोर पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक, कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है, तो डिफॉरेस्टेशन का, तो इसमें देखिए केवल आवास का विनाश ये भी है, केवल भूमंडलीय उष्मीकरण ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, सारे ये हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन थ्री जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, जल रोगाणुनाशक के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है, तो सबसे आम रसायन जो जल रोगाणुनाशक यानी रोगाणुनाशक के लिए सबसे आम रसायन जो है वो क्लोरीन है, यानी ऑप्शन टू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है, तो मुख्य कारण क्या है फॉसिल फ्यूल का, जी आपको पता ही होगा फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया पूरा 13 सितंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर में जीके जीएस और साइंस से संबंधित जितने क्वेश्चन थे तो वो हमने पूरे कर लिए हैं, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लाने वाला हूँ, तो थैंक यू वेरी मच।